promise that you never be lonely. Be the fam, that's what they call me. Hey yo, what's up everybody, it's me Shweb Khosrow back again with a video jo ki hone wali hai top 10 bedroom essentials that everybody needs. तो टॉप 10 बेडरूम एसेंशियल्स पे आने से पहले मुझे तुम लोगों को एक चीज़ बतानी है, वो ये है कि मुझे पता है तुम लोग बहुत देर सेड़े हो, ठीक है. यू ग्रूम योर सेल्फ वेरी वेल, ठीक है. यू टेक केयर ऑफ योर हेयर्स, यू टेक केयर ऑफ योर स्किन एंड एवरीथिंग, आई नो इट. पर यार एक चीज़ जिसमें दिक्कत आती है ना, जो ये तुम्हारी सारी मेहनत की ऐसी की तैसी मारेगी, वो है तुम्हारी स्लीपिंग सिचुएशन. तो यार खुद सोचो, हम अपनी 1/3 ऑफ अ लाइफ सोते हुए बिता देते हैं, या फिर एक कमरे में काम करते हुए, या फिर तैयार होते हुए, या फिर कुछ भी करते हुए बिता देते हैं. तो कितना अजीब है ना कि अगर वही रूम हमारा टाइट हो, टाइट का मतलब है जैसे गंदा हो. पर होता है पूरा मैजिक यहीं पर है सारी ट्रिक. तो लेट्स द मैजिक हैपन बेबी. तो देखो यार, सबकी नींद एक जैसी नहीं बनी, ठीक है. किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है. तो बेसिकली आज हम बताने वाले हैं कि अपना रेस्टिंग टाइम, हीलिंग टाइम और स्लीपिंग टाइम को कैसे इंक्रीज करना है, जिससे अगले दिन के लिए आप रेडी और रॉक एंड रोल के लिए. उस चीज़ के लिए आपको अपने एनवायरमेंट को अच्छा करना होगा. वो कैसे करोगे वो मैं बताता हूँ एक एक करके. तो नंबर 1 इज टू क्लीन योर बेडरूम. तो देखो यार, रूम को साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है. तुम जहाँ पे रह रहे हो, जहाँ पे सो रहे हो यार, जहाँ पे 1/3 ऑफ लाइफ नहीं स्पेंड कर रहे हो, वही चीज़ साफ नहीं है तो कैसे चलेगा, ठीक है. तुम अगले दिन कैसे तुम्हारे अंदर एनर्जी होगी जब तुम सुबह ही उठ के गंदगी देखोगे यार. तो बेडरूम को साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारा रूम अजीब सा, गंदा सा, स्मेल करने वाला एक रूम है. तो नंबर 1 कि कोई तुम्हारे साथ क्यों रुकना चाहेगा, नंबर 2 अरे वो आना ही क्यों चाहेगा, और नंबर 3 तुम खुद कितनी देर रुकोगे, सोचा है कभी. बेडरूम एसेंशियल नंबर 2, मेक श्योर इट्स डार्क. तो देखो सिंपल सा फंडा है कि जितना डार्क तुम्हारा रूम होगा, उतनी तुम्हारी क्वालिटी ऑफ स्लीप, क्वांटिटी ऑफ स्लीप बढ़ेगी. क्यों? क्योंकि यार क्या कहते हैं, जब आपके रूम में कोई लाइट नहीं आती तो आपकी नींद अपने आप ही बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा कि दिन हुआ है या रात. तो अगर इसका मतलब ये है कि यू नीड टू बाय सम गुड कर्टन्स, जिससे क्या कहते हैं पर्दे, लाइट अंदर ना आए, तो यार जाओ और जाके लो. बेडरूम एसेंशियल नंबर 3 इज ध्यान रखो कि तुम्हारा जो बेडरूम है वो ठंडा हो, क्योंकि जितना ठंडा तुम्हारा रूम होगा, जितना टेम्परेचर उसका कम होगा, उतनी तुम्हारी क्वालिटी ऑफ स्लीप बढ़ेगी. मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, बट ऐसा होता है. देखो ठंडे बेडरूम में भी सोने की सिर्फ एक बुरी बात है, वो ये है कि जब आप अपने रूम में घुसते हो और वो जो फर्स्ट 30 seconds होते हैं या फर्स्ट 1 minute होता है, जब आपकी बॉडी रूम टेम्परेचर कंट्रोल कर रही होती है, तो वो जो भयानक होते हैं. और स्पेशली इफ़ यू स्लीप नेकेड like a boy does, not like a boy does. सच में यार भयानक होते हैं. तो इसी के साथ हम आ जाते हैं अपने टॉप 4 बेडरूम एसेंशियल पे, जो कि है एक अच्छा मैट्रेस, ठीक है. अब तुम सोच रहे होगे यार मैट्रेस क्या, ठीक है. तो बेसिकली बहुत लोग यही सोचते हैं, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, आजकल बैक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है. क्योंकि जहाँ पे आप सोते हो वो एरिया या वो मैट्रेस या वो जगह सही नहीं है तुम्हारे बैक के लिए. तो बेसिकली यार एक ढंग का मैट्रेस लो. सो ये तो हो गई बैक की बात. इसी के साथ हम आ गए हैं टॉप 5 बेडरूम एसेंशियल पे, जो कि है एक अच्छा पिलो, ठीक है. तो एक अच्छा पिलो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है. अब तुम कहोगे तू पागल हो गया, पता नहीं क्या क्या बता रहा है, पिलो, मैट्रेस एंड ऑल. तो यार ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे क्या कहते हैं बेडरूम के लिए, तुम्हारे जब जहाँ पे तुम सोते हो. खुद सोचो, पिलो पे तुम्हारा ब्रिलियंट ब्रेन होता है, जो कि तुम्हारे दिमाग में आइडियाज़ लाता है कि तुम्हें अगले दिन क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है और जो भी, ठीक है. तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक अच्छा पिलो भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी गर्दन मेरे को थैंक यू कहेगी बाद में. सो बेडरूम एसेंशियल नंबर 6 इज क्लीन एंड सेक्सी शीट्स, ठीक है. अब बेडशीट कैन बी सेक्सी, अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो हाँ यार बेडशीट भी सेक्सी हो सकती है. क्यों हो सकती है? क्योंकि खुद बताओ कि लास्ट टाइम तुम कब किसी होटल में गए हो एक अच्छे से, जिसमें तुमने बेड में स्लिप करा और तुम लेटे हो और तुमने सोचा हो कि यार ये बेडशीट कितनी अच्छी है, कितनी स्मूद है, कितनी सिल्की है, कितनी बटरी है.
सो हाँ, बेडशीट भी सेक्सी हो सकती है. बेडरूम एसेंशियल नंबर 7 इज अ गुड एंड कंफर्टेबल कंफर्ट. ठीक है, एक कंफर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके लिए. एंड वाइट कलर कंफर्ट इज ऑलवेज सुपर स्टाइलिश. बेडरूम एसेंशियल नंबर 8 इज सम टाइप ऑफ सॉफ्ट लाइटिंग. आपकी आंखों को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन देती है, सूदिंग होती है आपके लिए. टॉप 9 बेडरूम एसेंशियल पे जो कि है अलार्म क्लॉक. अलार्म क्लॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. वो इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो तुमको शेड्यूल से चलना सिखाती है. तो अब हम आ गए हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, लाइक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट चीज़ पे, और वो होने वाली है अ बॉक्स ऑफ टिश्यूज़. टिश्यूज क्यों इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए ये भी बताना पड़ेगा क्या? ठीक है, लॉट्स ऑफ रीजंस. तो ये है मेरी लिस्ट टॉप 10 बेडरूम एसेंशियल्स की. आई होप यू गाइस लाइक इट, तुम लोगों को पसंद आई हो. ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल श्वेत खुसरो. और क्या कहते हैं, अगली वीडियो के लिए बने रहो. एंड आई एम रियली सॉरी यार, ये वीडियो थोड़ी लेट आई. ठीक है, आई वॉज स्टक इन समथिंग. अब से ये नहीं होगा, अब से मैं रेगुलर रहने की कोशिश करूंगा, आई प्रोमिस. थैंक यू गाइज.